तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष और स्वागत है आपका अपने चैनल हर्ष यूअर सीएससी गाइडर पर। दोस्तों हम बात करते हैं आपके बी फार्मेसी के फॉर्म के बारे में। आपकी जो फर्स्ट लिस्ट लगी थी उसमें आपका अगर नाम नहीं आया, सेकंड में भी आपका नाम नहीं आया, तो अब ओपन काउंसलिंग में आपका एडमिशन कैसे होगा? ओपन काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना होगा, कैसे इसका रजिस्ट्रेशन होगा, एक बात मैं आपको बता दूँ, इसका रजिस्ट्रेशन आपको शुरू से करना होगा और अलग से इसकी फीस सबमिट करानी होगी। उसके बाद जो आपका स्टेप बाय स्टेप है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा सारा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर देखना। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, अगर मान लो आपको सीबीएलयू में एडमिशन लेना है, सीबीएलयू में से ही आपको बी फार्मेसी करनी है, तो उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा? अब आप सोच रहे होगे कि आपको जो आपकी HSTES की जो साइट है आपको उस पर जाके लॉगिन करना होगा, तो ऐसा नहीं है। जहाँ पे जिन बच्चों ने उस पर रजिस्ट्रेशन किया था उसको आप भूल जाओ, आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करना होगा। वो कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं इसके बी फार्मेसी के नोटिस के बारे में। तो देखो मैं इसको नोटिस दिखा देता हूँ, आपको डेट की दिखा देता हूँ यहाँ पे कि डेट क्या है। देखिए यहाँ पे जो एडमिशन नोटिस है वो आपका 12/10 को रिलीज हुआ है और लास्ट डेट जो आपकी सबमिटिंग फॉर्म सबमिट की जो लास्ट डेट है आपकी वो है 17 तारीख, और जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी लास्ट डेट है आपकी 17 तारीख। उसके बाद जो ओपन काउंसलिंग होगी वो होगी आपकी 18 को, और जो फीस डिपॉजिट होगी वो होगी आपकी 19 को। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेकंड जो है इंस्टीट्यूट लेवल काउंसलिंग विदाउट एनी रिजर्वेशन बाय मर्जिंग आर रिजर्व कैटेगरी, मतलब इस यहाँ पे आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। यहाँ पे शायद हो सकता है इसका पहले रजिस्ट्रेशन हो, उसका पहले एडमिशन हो, ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे, वो अब बात की बात है। लेकिन उसके साथ हम देख लेते हैं इसकी जो लिस्ट लगी वो होगी आपकी 21 तारीख को, और जो फीस डिपॉजिट होगी वो होगी 22 तारीख को। और ओपन काउंसलिंग फॉर फिलिंग अप फॉर वैकेंट सीट, अगर इसके बाद भी कोई सीट बचती है तो उसकी जो ओपन काउंसलिंग होगी वो होगी आपकी 25 तारीख को। अब हम बात करते हैं कि ये फॉर्म आपको फिल कैसे करना है। तो देखो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको सीबीएलयू की साइट पर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए एडमिशन, जहाँ से आपने पीजी का कैंपस का एडमिशन किया था सेम आपको वहीं से लॉगिन करना है। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका मेल आईडी वगैरह यहाँ पे पूछेगा, यहाँ से आप नोटिस चेक कर सकते हो। अगर आपने नोटिस देखना है दोबारा से तो यहाँ से चेक कर सकते हो। हमें करना है न्यू रजिस्ट्रेशन, क्योंकि सीबीएलयू पे हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया था बी फार्मेसी का, हमने किया था HSTES की जो ऑफिशियल साइट है इसकी, वहाँ पे अभी हमें करना है सीबीएलयू पर रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमें चाहिए सीबीएलयू कैंपस में। अगर इसके अलावा अगर किसी और यूनिवर्सिटी में आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, सॉरी एडमिशन चाहिए, तो वहाँ का रजिस्ट्रेशन आप चेक कर सकते हो। मेरे को सीबीएलयू में लेना है तो मैं सीबीएलयू को आपको दिखाता हूँ करके कि कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। देखिए यहाँ पे फुल नेम में आपको आपका नाम डालना है, उसके बाद आपका फ़ोन नंबर डालना है, उसके बाद आपकी मेल आईडी डालनी है। मेल आईडी डालने के बाद मेल पे जो आप मेल आईडी यहाँ पे डालोगे उस पर आपका एक कंफर्मेशन लिंक जाएगा, आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे, ये देखिए यहाँ पे ऐसा लिखा जाएगा कि आपके पास एक मेल आई है, आपको उसको वेरीफाई करना होगा, एक्टिवेट करना होगा आपके अकाउंट को। तो चलिए एक बार अपना अकाउंट एक्टिवेट कर लेते हैं। हाँ, उसके बाद आपको यहाँ लॉगिन पे आ जाना है और यहाँ पे आपकी मेल आईडी और पासवर्ड डाल के उसको लॉगिन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो कि आईडी थी लॉगिन हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, नीचे अप्लाई पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। यहाँ पे देखिए स्टेप लिखे हुए हैं, पहले इंस्ट्रक्शन, उसके बाद पर्सन डिटेल, एजुकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट करने हैं, उसके बाद आपको अप्लाई कोर्स एंड फीस की सबमिट करनी है, और यहाँ से आप सबमिट चेक कर सकते हो अपना स्टेटस पेमेंट का, और यहाँ से आप प्रिंट निकाल सकते हो। तो हमें पहले अप्लाई करना है, तो चलिए अप्लाई कर लेते हैं एक बार। अब देखिए यहाँ पे डालना है आपको का नाम, यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर, यहाँ पे आपका जेंडर, उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपकी मेल आईडी, जो आपने मेल आईडी अभी इसमें रजिस्ट्रेशन की है वही मेल आईडी दोबारा से यहाँ पे डालनी है, आपका फादर का नाम, आपकी मदर नेम, यहाँ पे आपका परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस डालना है, सॉरी रेजिडेंस हरियाणा, यस करना है। यस करने के बाद देखिए यहाँ से आपका फैमिली आईडी पूछेगा, आपको इसमें फैमिली आईडी डालनी है, उसके अलावा आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस डालना है, आप मैरिड हैं या अनमैरिड है वो डालना है, यहाँ पे नेशनलिटी डालना है, यहाँ पे आपको सिटी, उसके बाद आपका स्टेट, और यहाँ पे आपका पिन कोड, उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी डालनी है। यहाँ पे मैं आपको कैटेगरी का मतलब बता देता हूँ, AIO, EWS इन सब का मतलब बता दूँ। AIO का मतलब होता है ऑल इंडिया ओपन जनरल कैटेगरी, AIO EWS मतलब ऑल इंडिया ओपन जनरल कैटेगरी में आपका AWS सर्टिफिकेट बना हुआ है वो। HOIG का मतलब होता है हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी, उसके बाद HOIG EWS मतलब हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी EWS, उसके बाद SC ST आपको पता ही होगा, SC में भी एक सर्टिफिकेट बना होता है वो SC ST का बनता है, वो आपके पास है तो वो भी लगा सकते हो इसमें से। उसके बाद BCA और BCB जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए, इज योर कॉरपोरेंस एड्रेस इज सिमिलर टू द परमानेंट एड्रेस, मतलब आपका जो एड्रेस है वो सेम है दोनों, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो, वरना आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल सकते हो यहाँ पे नो करके। उसके बाद आ रही ओल्ड स्टूडेंट ऑफ सीबीएलयू,
इसमें बेसिक नो ही आएगा, क्योंकि 10th 12th के बाद अगर आप बी फार्मेसी करते हो तो इसमें आप यस कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पे नो करके यहाँ पे आप फिर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है, उसके बाद फ्रीडम फाइटर आप थे तो नहीं, एक्स सर्विस मैन नहीं, फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर है तो यस, नहीं तो नहीं। उसके बाद फैमिली आईडी में जो आपकी इनकम होगी वो यहाँ पे आपको डाल के नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट पे जैसे ही सबमिट करोगे, उसके बाद देखिए आप क्वालिफिकेशन के, यहाँ पे आपको एजुकेशन आपकी डिटेल्स डालनी है। यहाँ पे आपसे 10th और 12th की डिटेल ही पूछेगा, आपको सिंपली यहाँ पे आपकी 10th की डिटेल डालनी है। यहाँ पे देखिए ग्रेड और मार्क्स, अगर आपके पास CBSE मार्कशीट है तो आप ग्रेड कर सकते हो, या फिर मार्क करके यहाँ पे आप डिटेल्स डाल सकते हो। यहाँ पे आपका 10th का बोर्ड है, एग्जाम और कोर्स अपने आप उठा लेता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे आपका बोर्ड डालना है, यहाँ पे आपके पास ईयर डालनी है, यहाँ पे आपके सब्जेक्ट डालने हैं। तो चलिए वो डाल लेते हैं, यहाँ पे आपकी पासिंग ईयर, यहाँ पे आपके मार्क्स और यहाँ पे आपके सब्जेक्ट, जो भी आपके सब्जेक्ट थे हिंदी इंग्लिश मैथ जो भी था वो यहाँ पे डालना है आपको। उसके बाद सेम 12th में आपको सेम करना है, और यहाँ पे फिर आपको सब्जेक्ट डालना है। अगर अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो डाल दीजिए, वरना इसको छोड़ दीजिए और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आते हैं वेटेज पे। वेटेज अगर आपके पास कुछ है तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ लेना इस नोटिस, इनको इंस्ट्रक्शंस को। अगर आपके पास इनमें कोई वेटेज होगी तो आप यहाँ पे यस कर देना, वरना नो करके आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। तो मेरे पास कोई भी NCC NSS स्पोर्ट्स का कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा सब में। ध्यान रहे दोस्तों, आप इसमें सिर्फ 10 नंबर की वेटेज ले सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है वेटेज विल नॉट एक्सीड 10 मार्क्स, मतलब आप 10 से ज़्यादा की वेटेज यहाँ पे नहीं ले सकते। तो ध्यान से आपको कंफर्म हो जो वेटेज आपको मिल सकती है उसी में यस करना, उसके अलावा यस मत करना कहीं पे भी। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको अब यहाँ पे आपको अपलोड करना है आपका फोटो, और यहाँ पे अपलोड करना है सिग्नेचर। तो उसके बाद हमें डिक्लेरेशन में आपको क्लिक कर लेना है तीनों में, और यहाँ पे आपको डालना है प्लेस जिस प्लेस से आपने यहाँ पे फॉर्म्स फिल किया है। उसके बाद आ जाना आपको नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपकी समरी आ चुकी है, आपका फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। यहाँ से अगर आपके फॉर्म में अब यहाँ से भी कोई गलती होती है तो आप यहाँ पे देखिए एडिट पे जाके उसको फॉर्म को दोबारा से एडिट कर सकते हो। आपको यहाँ से फॉर्म सारे ध्यान से देख लेना है। आप ये सोच मत सोच रहे कि यार ऐसे XYZ क्या नाम हुआ, ये तो मैंने ऐसे फॉर्म भरने के लिए आपको डाल के दिखाया बस। आपको यहाँ से डिटेल सी ध्यान आपको यहाँ से सारी डिटेल अपनी चेक कर लेनी है ध्यान से। सारी डिटेल सही होने के बाद आपको फॉर्म सबमिट कर देना है। यहाँ पे देखिए अप्लाई है, यहाँ पे आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पे जैसे ही क्लिक करोगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल चुका है, आपको क्या करना है इसको करना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपको जाना है अपलोड डॉक्यूमेंट्स में। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको डालनी है अपनी मेल आईडी, यहाँ पे आपका एप्लीकेशन आईडी जो यहाँ पर हमने कॉपी की थी, उसके बाद आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपका फोन नंबर, आपकी मेल आईडी। यहाँ पे अपलोड करनी है आपको 10th की मार्कशीट, यहाँ पे अपलोड करनी है आपको 12th की मार्कशीट, ये छोड़ देना है। करेक्टर सर्टिफिकेट अगर आप अदर कास्ट है तो आपको यहाँ पे अपने कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पे आपको डोमिसाइल अपलोड करना है, यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करना है। सबके ऊपर लिखा हुआ है कि आपको क्या कौन से बॉक्स में क्या अपलोड करना है, वहाँ से देख के आराम से अपलोड कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट और अदर कोई डॉक्यूमेंट है तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। और आपको कुछ वेटेज मिली है जैसे कि मान लीजिए स्पोर्ट्स वगैरह का कोई सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है, मतलब वेटेज ली है उसकी, तो वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको ये सबमिट कर देना है, और सबमिट करने के बाद हमें आ जाना है अप्लाई कोर्स एंड पे फीस पर। देखिए इंस्ट्रक्शन पढ़ लिए, डिटेल हमने अपडेट कर दी, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, अब आ गए हम अप्लाई कोर्स एंड पे फीस पर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी सारी, आपका एप्लीकेशन आईडी, आपके फॉर्म सबमिशन की डेट, उसके बाद आपका नाम, आपके फादर का नाम, आपकी कैटेगरी, यहाँ से आपको सिलेक्ट करनी है दोबारा से एक बार कैटेगरी आपकी जो भी कैटेगरी थी। अब हम फीस की बात कर लेते हैं यहाँ पे साथ साथ। तो मैं यहाँ आपको सारी कैटेगरी की फीस दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ओपन जनरल कैटेगरी की फीस होगी आपकी 500 रुपये, साथ में आपको कोर्स यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पे आपकी फीस शो कर देगा यहाँ पे कि कितनी फीस आपकी, यहाँ पे 500 रुपये, EWS की 500, हरियाणा पर जनरल कैटेगरी की 500, हरियाणा पर जनरल कैटेगरी EWS की 500, SC ST की आपकी 125 रुपये फीस है, SC D की 125 है, BC A की 125 है, और BC B की 125 है। उसके अलावा अदर कोई कैटेगरी तो आपको अदर पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको अपनी कैटेगरी डालनी है, लेकिन फीस आपकी 500 ही रहेगी अदर कैटेगरी में। तो मेरी मान लीजिए आपको AIO कुछ भी आप कैटेगरी में, जैसे मान लीजिए मेरी हरियाणा पर जनरल कैटेगरी, तो मैं यहाँ पे हरियाणा पर जनरल कैटेगरी करता हूँ। उसके बाद रिबूट पर क्लिक करना है और पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पे क्लिक करके आपको अपनी फीस सबमिट कर देनी है। यहाँ पे 500 रुपये, 125 रुपये, जो भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से जो भी आपकी फीस होगी वो आपको यहाँ पे सबमिट कर देनी है।
सबमिट कैसे करनी है वो भी आपको बता देता हूँ। आपको पेनआ पे क्लिक करना है, पेनआ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे फादर नेम डालना है, उसके अलावा फोन नंबर अगर डालना चाहो तो डाल सकते हैं। उसके बाद पर्पज़ में आपको क्या करना है, पर्पज़ में हम देख लेते हैं एक बार क्या क्या इसमें ऑप्शन है। हाँ, तो इसमें हमें देखिए एडमिशन 2021 2022 रजिस्ट्रेशन फीस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको फीस सबमिट कर देनी है। यहाँ पे आप जितनी भी फीस थी 125 थी या 500 थी, जो भी आपकी फीस थी वो यहाँ पे आपको टाइप करना है। टाइप करने के जो भी आप टाइप करोगे यहाँ पे वो देखिए यहाँ पे शो कर देगा कि टोटल फीस, यहाँ से आपको सबमिट करके अपनी फीस सबमिट कर देनी है। अब आपका डॉक्यूमेंट, आपकी जो डिटेल्स थी वो फिल हो गई, डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए, अप्लाई कोर्स पे आपने फीस सबमिट कर दी। अब अगर आपकी फीस सबमिट हो जाती है, आपके अकाउंट से डेबिट हो जाती है, और उसके बाद आपकी फीस सबमिट नहीं होती, आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको रेफरेंस नंबर कॉपी कर लेना है। रेफरेंस नंबर आप यहाँ से चेक कर सकते हो अपनी पेमेंट का स्टेटस जो भी है। तो देखिए यहाँ पे आपने रेफरेंस नंबर डाल के इसको अगर रिबूट करके सबमिट करोगे तो सबमिट करोगे इसको तो आपका स्टेटस जो भी होगा वो यहाँ पे शो कर देगा। उसके अलावा जो आपका फॉर्म सबमिट हो गया, पेमेंट सबमिट होगी, आप प्रिंट एप्लीकेशन पे जाके अपना फॉर्म का जो आपका प्रिंट आउट होगा वो आपको यहाँ से निकाल सकते हो और कॉलेज में उसको सबमिट करवा सकते हो। तो दोस्तों ये था बी फार्मेसी के बारे में डिटेल्स कि आपका बी फार्मेसी के लिए ओपन काउंसलिंग के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो समझ आ गई होगी। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास अभी भी कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हो। इनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।